नमस्कार बच्चों, केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से हमारे प्यारे बच्चों के लिए एक संदेश और एक ईमेल के जरिए एक पत्र आया है, जिसे आज मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और समझाऊंगा। एक बहुत सुंदर संदेश है जिसे आपको पता होना चाहिए। तो क्या है ये संदेश, हम इस संदेश को पढ़ेंगे। आप सामने देख रहे होंगे कि ये एक पत्र है जो हम सबके लिए आया है, हम सब विद्यार्थियों के लिए ये पत्र जो है आ चुका है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि आप सपरिवार कुशल पूर्वक होंगे और इस वर्तमान वैश्विक महामारी से मुकाबले के लिए हर संभव प्रयास कर रहे होंगे। वास्तव में आज हम जिस स्थिति में खड़े हैं वह अभूतपूर्व है, अर्थात इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। जिसने तमाम अप्रत्याशित चुनौतियां हमारे सामने खड़ी कर दी हैं। आप बाहर नहीं जा सकते, दोस्तों से मिलना मना है, विद्यालय बंद है। आपकी उम्र में घर की चार दीवारी में सिमट कर रहना निश्चित रूप से आसान नहीं है। हालांकि इस दौर में आपको मानवीय साहस की उस अजेय शक्ति का एहसास हुआ होगा। अजय मतलब जिसको कोई हरा नहीं सकता, ऐसी शक्ति का एहसास हुआ होगा जो किसी भी परिवर्तन को आसानी से स्वीकार कर लेती है और जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर नए रास्ते खोज लेती है। ऐसी शक्ति आपको एहसास हुआ होगा, ऐसी शक्ति का। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ करना ऐसा ही एक प्रयास है। आपसे अपेक्षा की जाती है, अर्थात आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप CBSE द्वारा पाठ्यक्रम में किए गए परिवर्तनों के प्रति सजग रहें, उस सिलेबस को देखें जो CBSE ने अभी चेंज कर दिया है। आपको उन वैकल्पिक कैलेंडर की भी जानकारी होनी चाहिए, उस अल्टरनेटिव कैलेंडर की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए जिन्हें NCERT ने इस कठिन समय में विद्यार्थियों की मदद के लिए जारी किया है। किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन के लिए अपने शिक्षकों के साथ संपर्क बनाए रखें। अब प्रत्येक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई और शैक्षिक प्रगति के लिए जवाबदेह है। हम सब आपके साथ हैं और आपके हमारे बीच बस एक ईमेल या फोन कॉल की दूरी भर है। प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय की एक ईमेल आईडी है जो पूर्ण रूप से ऑनलाइन परामर्श के लिए समर्पित है। अकेडमिक गतिविधियों से संबंधित किसी भी प्रकार की जिज्ञासा शांत करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो अपने अंदर प्रवेश करें। ये बहुत सुंदर बात लिखी है, घर से बाहर नहीं जा सकते लेकिन अपने अंदर आप प्रवेश कर सकते हैं। अपने अंदर अर्थात अपने अंदर झांक के देख सकते हैं, बैठ के सोच सकते हैं। यही आज के युग का मंत्र है। योग करें, प्राणायाम के लिए समय निकालें, ऐसी पुस्तकें पढ़ें जो विचारों को झंकृत करें और आपको अंतर्मन से जोड़ें।
इस समय का सदुपयोग अपने माता पिता, दादा दादी और अन्य रिश्तेदारों के साथ संवाद स्थापित करने में करें। आप यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि उनके पास ऐसा अमूल्य ज्ञान और जीवन का अनुभव है जो शायद ही कोई किताब आपको पढ़ा सके। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हार्दिक शुभकामनाएं। तो एक सुंदर सा संदेश है जो आप तक पहुंचाया जा रहा है, आप इसे सुनें और आत्मसात करें, इसको फील करें और अपने भावी जीवन को अच्छा बनाएं। रुके नहीं, झुके नहीं और इस बार भी वो करके दिखाएं जो हम हमेशा विद्यालयों में जाके करते थे, एक अच्छा परिणाम देते थे। उस परिणाम को इस संसार के सामने पेश कर एक नया उदाहरण पेश करें कि हमने महामारी में भी अपनी शिक्षा को बाधित नहीं होने दिया। धन्यवाद।